things. Set is a collection of well-defined, distinct things. This is definition of set. Set is a collection of well-defined, distinct things. What do you mean by distinct and well-defined? By which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set. A book, for example, does not belong to a cricket kit. A tennis ball does not belong to a set of books. A collection with a well-defined object is not. The set of vowels of English alphabet is a defined set. Now, the object in a set are called members. Now we solve the questions. Now we solve the questions. Exercise number 1 is a very trivial exercise. Pick out the well-defined set from the following. A. Set A is equal to Test cricket captains of Pakistani team. Pakistan ke cricket team ke captain ka set. Ye well defined set hoga. Aur yahan se humne pick karna hai bas ye 8 question hai to isko kar lete hain. B. Tasty food items. अच्छा एक बात आपने याद रखनी है ये जो set होते हैं ना इनको आपने curly bracket के अंदर लिखना है ठीक है set को जो set के membrane होंगे जो set के element होंगे उनको curly bracket के अंदर लिखना होता है ठीक है कोई दूसरी bracket नहीं आपने डाल देनी एक square bracket होती है वो नहीं डालनी वो डालोगे तो सवाल हो जाएगा गलत ये बात आपने याद रखनी नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ये सेट है डिफाइंड सेट है अच्छा टेस्टी फूड आइटम ये क्यों नहीं है ये डिफाइंड क्यों नहीं है ये इसलिए डिफाइंड नहीं है कि ऐसा खाना जो आपको टेस्टी लगता है वही खाना मुझे टेस्टी नहीं लगता मुझे नापसंद होता है तो इसलिए ये well defined नहीं है well defined वो चीज होती है जो सब के लिए वाज़िया हो जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सेट है तो वो सब के लिए सब जानते हैं होंगे नंबर डी ए सेट डी naughty student in your class Naughty student in your class ये well defined नहीं है ठीक है तो ये फिर set भी नहीं है Naughty student well defined नहीं है कि Naughty student मेरी नजर में कोई naughty है तो उसके वालदैन की नजर में वही बच्चा बड़ा shine है naughty नहीं है ठीक है बड़ा noble है तो इसलिए ये well defined नहीं है तो ये फिर set भी नहीं है mathematics teachers in your class in your school ये well defined set है ठीक है लिख लिया large number
लार्ज नंबर कुछ भी हो सकता है, अरब खरब, इससे भी बड़ी रकम हो सकती है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट में ही है। कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन, हमारे प्रोविंस का कैपिटल, पाकिस्तान के प्रोविंसेस का कैपिटल का सेट डिफाइन है, तो ये सेट है। एच गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ये वेल डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इफ इफ P is equal to 1, 2, 3, 4 and Q is equal to A, B, C, D, write the symbols belongs to or not belongs to in the blanks. 2 belongs to P, A theek hai, 2 hai. A belongs to P, A belongs to P नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे तो उसको मतलब होता है not member of, not element of। इसी तरह ये G, वो Q, G जो है वो Q को belong करता है, तो G इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो यही आएगा not ही आएगा। 5 is belongs to, फाइव इज नॉट बिलोंग्स टू पी, ठीक है, फाइव है ही नहीं, वो बिलोंग नहीं करता। डी इज नो, इज बिलोंग्स टू क्यू, डी क्यू को बिलोंग करता है, क्यू सेट में है, ठीक है। थ्री नॉट बिलोंग्स टू क्यू, थ्री क्यू में नहीं है, ठीक है। लिस्ट द एलिमेंट of the following sets, also named the set as A, B, C. Counting less than 10. अच्छा, ये क्वेश्चन आप वेब बोर्ड पे करवा दूंगा, इसको छोड़ दें, ये बाद में, नेक्स्ट टाइम, कल बल्कि कर लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन 4 अभी हो जाएगा यहीं पर, ये कर लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, ये सेट नहीं बनाता क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, टाउन में स्ट्रॉन्ग पीपल का सेट, वो वेल डिफाइंड नहीं है मेरी नजर में। कोई बंदा स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे की नजर में कोई बंदा बुजदिल होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बनता, ठीक है। आगे दूसरा, स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये सेट बनता है। स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होंगे वो एक सेट होगा। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये भी सेट है। फेमस फिल्म एक्टर, फेमस फिल्म एक्टर एक वेल डिफाइंड नहीं है मेरी नज़र में। अमिताभ बच्चन जो है वो मेरा फेवरेट एक्टर है या फेमस है मेरी नज़र में, लेकिन दूसरे की नज़र में शाहरुख खान फेमस होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। द रिवर ऑफ पंजाब, कौन नहीं जानता कि पांच दरियाओं की सरजमीन पंजाब है। रिवर पंजाब के पांच रिवर हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आ नेबरहुड, हमारे इर्द गिर्द नोबल पीपल जो ऑनेस्ट हों, आजकल हर बंदा अपने आप को ऑनेस्ट कहता है, लेकिन मैं हो सकता है उसको ऑनेस्ट ना कहूँ, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। बाकी सेट नोटेशंस, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, share my video, that's all.